दोस्तों, माधुरी दीक्षित एक ऐसा नाम है, शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो माधुरी जी को ना जानता हो। उनके फैंस पूरी दुनिया में हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है, उनकी शादी से पहले उनके पति माधुरी जी के सेलिब्रिटी स्टारडम से बिल्कुल ही अनजान थे। हेलो दोस्तों, मैं हूं कासिम और मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, यहां पर रहती थी माधुरी दीक्षित जी। एक और बात जो है मैं आपको बता दूं कि इनके घर के एग्जैक्ट पीछे है देवानंद साहब का घर। ये है देवानंद साहब का घर और ये है माधुरी दीक्षित जी का घर। उन्होंने माधुरी जी की कोई भी फिल्म नहीं देखी थी। अक्सर ये देखा गया है कि कोई भी बड़ी अभिनेत्री को देखकर ही शादी कर लेते हैं, लेकिन यहाँ कोई ऐसी बात नहीं थी। अपने रिश्ते को लेकर माधुरी जी के पति ने उन्हें कहा कि वो बहुत महत्वपूर्ण था कि वो मुझे अभिनेत्री के रूप में नहीं, लेकिन पहले वो मुझे एक व्यक्ति के रूप में जाने। हालांकि माधुरी जी के अभिनय और उनके हुस्न के कायल उनके फैंस पूरी दुनिया में हैं। उन्हीं में से एक फैन जमशेदपुर का है, जिसने एक कैलेंडर लॉन्च किया जिसमें साल की शुरुआत माधुरी जी के जन्मदिन से होती है। इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने भारत सरकार से दरख्वास्त भी की थी कि माधुरी जी के जन्मदिन पर पब्लिक हॉलीडे घोषित किया जाए। माधुरी जी को हिंदी सिनेमा के बेहतरीन अदाकारा के लिए 4 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, 1 बार फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री और 1 बार स्पेशल अवार्ड से नवाजा गया है। इसके अलावा भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। इनके किए गए किरदार जो आज भी लोगों को याद हैं, तेजाब फिल्म में मोहिनी का किरदार हो, या दिल फिल्म में मधु का किरदार हो, या साजन फिल्म में पूजा का किरदार हो, कितना पागल है ये प्यार। और हम आपके हैं कौन में निशा के किरदार को भला हम कैसे भुला सकते हैं। उनके गाने भी बहुत ही लोकप्रिय हुए थे, जैसे तेजा फिल्म का गाना 1 2 3, या फिर थानेदार फिल्म का गाना तम्मा तम्मा। और हम आपके हैं कौन का गाना जूते दो पैसे लो। ऐसे बहुत से किरदार और गाने हैं जिन्हें हम भुला नहीं सकते। फिल्म हम आपके हैं कौन के लिए माधुरी जी एक ऐसी एक्ट्रेस थी जिन्होंने सबसे ज्यादा फीस ली थी। और मैंने सुना कि आपने आपको हम आपके हैं कौन में सलमान खान से ज्यादा पैसे मिले थे। उस दौर में तकरीबन 3 करोड़। माधुरी दीक्षित ने भारतीय हिंदी फिल्मों में एक ऐसा मुकाम तय किया है जिसे आज की अभिनेत्रियां उन्हें अपना आदर्श मानती हैं। उनके लाजवाब नृत्य और स्वाभाविक अभिनय का ऐसा जादू था कि माधुरी जी पूरे देश की धड़कन बन गई थी। अब इससे ज्यादा गर्व की बात क्या होगी कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मधुबाला की छवि भी कहा जाता था। अब माधुरी जी की निजी जीवन के बारे में बात करें तो माधुरी जी का जन्म 15 मई 1967 में मुंबई में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम शंकर दीक्षित और उनकी माता का नाम स्नेहलता दीक्षित है। इनके भाई का नाम अजित दीक्षित है। इनकी 2 बहनें हैं, एक का नाम रूपा दीक्षित और दूसरी का नाम भारती दीक्षित है। माधुरी जी ने 17 अक्टूबर 1999 में अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर श्री राम के साथ शादी हुई और उनके 2 बच्चे भी हैं, जिनमें से एक का नाम है रियान और दूसरे का नाम एरिन नेने। दिलचस्प बात यह है कि माधुरी जी बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन वो अभिनेत्री बन गई। लेकिन देखिए, उनकी जिनके साथ शादी हुई वो एक डॉक्टर हैं। माधुरी दीक्षित ने अपनी शिक्षा अंधेरी के डिवाइजन चाइल्ड हाई स्कूल में प्राप्त की और उसके बाद उन्होंने विले पार्ले कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 3 साल की उम्र से ही कथक सीखना शुरू किया। इतनी छोटी सी उम्र में ही वो कथक चैंपियन बन गई थी
और उस वक्त उनको ट्रॉफी से भी नवाजा गया था। उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1984 में राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म अबोध से की थी, मगर उन्हें इंडस्ट्री में पहचान मिली फिल्म तेजाब से। इस फिल्म में उन्हें उनकी बेहतरीन अदाकारी के लिए फिल्म फेयर का पहला पुरस्कार भी मिला था। उसके बाद वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ती चली गईं। भारतीय सिनेमा में जब भी जिक्र होगा तो बेहतरीन अदाकारा और डांसर के तौर पर माधुरी जी का नाम बड़ी ही गर्व से लिया जाएगा।